आज हम देखने वाले हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है एंट्स ऑन द सर्कल। ये एक बबल सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। हमें इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इन अ कंट्री एक्स ऑल द एंट्स मूव इन अ सर्कल, देयर इज अ सर्कल मार्क्ड विद एन मार्क्स विद नंबर्स 1 to n क्लॉक वाइज। अब ये हमें ना एक एरे गिवन होगा बेसिकली, उसमें क्या है कि जो एरे हमें गिवन होगा उसका साइज गिवन है, और उसमें जो एंट्स है ना, मतलब बेसिकली जो हमारे पास वो स्पेसेस होंगी, मतलब जो साइज होगा हमारे सर्कुलर एरे का, उसमें ना देर आर एम एंड्स ऑन द सर्कल, मतलब जो भी हमारे पास एन स्पेसेस होंगी, या जिसे हम कह सकते हैं एन प्लेसेस होंगी, एन प्लेसेस में हमारे पास एम जो एंड्स है ना वो उसमें होंगी, बेसिकली हमारे पास प्लेस्ड होंगी उसमें। और वो जो एरे है वो एक सर्कुलर एरे है, इसका मतलब है कि जब जैसे मान लो जो हमारी लास्ट वाली एंट है ना वो मूव कर सकती है जो जीरो पोजिशन होगी उस पे। अब जैसे अगर हम आगे पढ़ें तो नो टू एंड स्टैंड ऑन द सेम मार्क इनिशियली, मतलब सारी एंड्स जो है वो अलग अलग पोजिशन पे प्लेस होंगी। इट इज ऑल्सो नोन इन विच डायरेक्शन ईच एंड विल मूव, या तो वो क्लॉकवाइज जा सकती है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा सकती है। इफ टू एंड्स मीट ड्यूरिंग द मूवमेंट देन ईच ऑफ देम बिगिंस टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये भी हमें गिवन है कि अगर किसी भी पोजिशन पे किसी भी टाइम पे अगर वो दोनों मीट कर जाती है ना, तो इसका मतलब वो वहां से वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगी अपने इनिशियल जो उनकी प्रीवियस डायरेक्शन थी उससे। अब हमारा काम क्या है कि वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द एंड्स विल बी वेयर द एंड्स विल बी आफ्टर टी सेकंड्स ऑफ सच मूवमेंट। अब देखते हैं कि हमें जैसे क्वेश्चन में फॉर्मेट में क्या गिवन है। एक तो इनपुट फॉर्मेट में हमें एन एम और टी गिवन होगा। एन हमें गिवन है कि क्या है हमारे पास प्लेसेज एंड सर्कुलर एरे की, और एम क्या है हमारे पास जो एंड्स होंगी वो, और हमें टी टाइम दे रखा है कि टी टाइम के बाद हमें बताना है कि उनकी पोजिशंस क्या क्या होगी। अब ये देखते हैं कि पोजिशंस के लिए हमें क्या बोला है, ईच लाइन कंटेन्स टू नंबर्स एक्स एंड वाई। द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस लाइन एक्स इज द पोजिशन ऑफ द एंड, की मतलब वो जो भी हमारे पास एम, जैसे हमारे पास एम क्या था, नंबर ऑफ एंड्स। अब हर एक एंड के लिए क्या है हमारे पास एक्स गिवन होगा कि वो किस पोजिशन पे है इनिशियली, और जो सेकंड वैल्यू है, जो सेकंड वेरिएबल है हमारा वाई, वो क्या हमें बता रहा है, वो बता रहा है डायरेक्शन इन विच द एंड मूव, यानी कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है इनिशियली। तो अगर वाई की वैल्यू 1 है इसका मतलब वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, अगर -1 है तो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब ये दे रखा है कि द डिस्टेंसेज बिटवीन एडजेसेंट मार्क्स आर द सेम, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे एंड जो है वो अपनी प्लेस से नेक्स्ट प्लेस में मूव कर रही है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। इट इज गिवन दैट इट टेक 1 second टू मूव अ डिस्टेंस इक्वल टू द एडजेसेंट मार्क्स, ठीक है। तो ये हमें गिवन है बेसिकली इनपुट का फॉर्मेट, और आउटपुट में हमें रिटर्न करना है जो भी हमारे पास पोजिशन आएंगी ना कैलकुलेशन करने के बाद, उनका असेंडिंग ऑर्डर डिनोटिंग द पोजिशन वेयर द एंड्स विल बी इन टी सेकेंड्स आफ्टर सच ऑब्सेसिव मूव, मतलब टी सेकेंड्स बाद जो भी उनकी पोजिशन होगी ना एंड्स की, उनका हमें असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करना है। अब देखते हैं हमारे पास जैसे सैंपल टेस्ट है इसमें क्या है, हमारे को जैसे ये चीज गिवन है 5 to 1। अब 5 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पोजिशन, ठीक है, एरे की जो भी हमें प्लेसेज हैं, और उन प्लेसेज में हमारे पास टू एंड्स हम प्लेस करें जो हमें गिवन है कि टू एंड्स हैं, और ये 1 क्या है हमारे को एक नंबर 1 second के बाद बताना है कि अगर वो 1 second के बाद मूव कर रही है तो वो कहाँ पे होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों दोनों एंड्स की हमें पोजीशन गिवन है। ये 2 क्या है, उसकी पोजीशन है, मतलब वो सेकंड पोजीशन पे प्लेस्ड है फर्स्ट एंड, है ना। और ये y क्या है, बेसिकली वो वहां से क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और ये 3 क्या है, वो थर्ड पोजीशन पे जो सेकंड एंड है वो थर्ड पोजीशन पे प्लेस्ड है और वो वहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो अगर हम इसको देखें कि जो सेकंड पोजीशन पे है ना वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है और जो थर्ड पोजीशन पे है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो अगर ये दोनों एडजेसेंट है, जैसे ये सेकंड पे है ये थर्ड पे है ना, तो अगर ये मूव करेगी तो कहाँ जाएगी, ये थर्ड पे जाएगी क्योंकि क्लॉकवाइज है, और अगर ये थर्ड वाली काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये सेकंड पे जाएगी, है ना। तो अब इनकी जो पोजीशन होंगे ये एक मतलब बेसिकली चेंज होंगे, ये जो सेकंड वाली है थर्ड पे चली गई, ये थर्ड वाली सेकंड पे चली गई, है ना। और इस केस में हमारे पास अब जो जो नई वैल्यूज आई हैं जैसे एरे की वो क्या आई है, 3 और 2, लेकिन हमें उनका प्रिंट क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2 और 3, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम अपने इनपुट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है हमें। तो अप्रोच करने के लिए ना एक मिनट मैं समझाता हूँ, अप्रोच करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले ना हमारे को ये गिवन है कि जो हमारा एरे है वो सर्कुलर है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है बेसिकली प्लेसेज है, जो हमारे को एन है ये सारी की सारी प्लेसेज है हमारे एंड्स के लिए, है ना। अब इस पे मान लो जैसे यहाँ यहाँ पे कहीं कहीं पे भी एम जो है एम आंट्स प्लेस है, तो M क्या है एंड्स और N क्या है बेसिकली N आर द प्लेसेस जो कि उस एंड्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है, हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लो हमने ये समझा कि T टाइम के बाद हमें बताना है कि वो कहाँ मूव कर सकती है, तो अगर हमें जैसे कोई भी एक पोजीशन है X, है ना,
हम कोई भी एक रैंडम ले लेते हैं एंट को, उसकी पोजीशन हमें गिवन है एक्स, है ना, और उसकी डायरेक्शन गिवन है। तो अगर हमें बताना है कि वो जो एंट है वो किस डायरेक्शन में मतलब मूव करेगी, या फिर वो किस पोजीशन पे होगी टी टाइम के बाद, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तो जो वो डायरेक्शन में मूव करेगी उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अपने टाइम से, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे अगर मान लो वो एंट जो है ना वो सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे है, ये एन हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो मान लो अभी यहाँ पे है, उसने बोला कि हमें टी टाइम के बाद बताना है, तो टी टाइम के बाद अगर उसे बताना है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो अपनी जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देगा अपने इस पोजीशन से। अब मैं ये बताता हूँ कि ये मल्टीप्लाई क्यों किया। अगर मान लो जैसे वाई की पोजीशन 1 है, तो ये क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, और क्लॉकवाइज मूव करने के टाइम पे वो इधर इधर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और जिस जिस भी डायरेक्शन पे वो अब आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको जैसे ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें पोजीशन बताना है कि वो फाइनली किस पोजीशन पे जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है उससे ऐड भी तो करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, ये अब हमारा न्यू एक्स हो गया, ठीक है। ये बेसिकली हम एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो हमारा न्यू पोजीशन आ गई एक एंट की, ठीक है। और यही हमें किसके लिए करना है, ये हमारे को सारी एंट्स के लिए करना है जो भी हमारे को एरे में गिवन थी, ठीक है। तो अब एक तो हमने ये चीज समझ ली कि हमारे को अगर जैसे सिंगल, या हमारे को जैसे जो टाइम गिवन है उसमें भी क्या हो सकता है ना, कि जो टाइम है उसके अगर हम अपना वो देखें, जो हमारे को 10^3 तक गिवन हो सकता है, ठीक है। और जो हमारी ये वैल्यू है ना एम, ये भी 10^3 तक हो सकती है। तो अगर मैं ये समझूं कि हमारे को अगर 10^3 तक जा सकती है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ना मैं अगर इस टी को जो है इंपरसेंट कर दूं अपने एन से, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो मेरी एन की वैल्यू है किसी केस में ये छोटी हो, और जो मेरे पास टाइम है वो काफी बड़ा हो। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरी एंट है वो इसमें इस सर्कुलर एरे में मूव करती रहेगी करती रहेगी, मतलब बेसिकली वो क्या होगी, वो टी टाइम तक ऐसे मूव करती रहेगी और फिर किसी पोजीशन पर जाके यहाँ स्टॉप करेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि मेरे को ये पता चल गया, अगर वो बेसिकली क्या कर रही है, वो बेसिकली इसमें सर्कुलर एरे में मूव कर रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं उसको ऐसे मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं अपने टी के साइज को छोटा कर दूं। इसका क्या मतलब है, अगर मैं टी इन परसेंट एन कर देता हूँ ना, तो मेरे को उसे बेसिकली इतनी बार कैलकुलेशंस करने के बजाय मैं उसे हर एक जो जैसे सर्कुलर में मूव करा रहा हूँ उसके बजाय मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि जैसे मान लो उसने मूव कर लिया, तो अब मूव करने के बाद वो फाइनली किस पोजीशन पे, जैसे किस डिस्टेंस पे जाके वो वहां पे प्लेस होगी, हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे हमें ये तो पता चल गया कि वो कितना जैसे मूव कर रही है, कितनी बार सर्कुलर एरे में मूव कर रही है, और उसके बाद जैसे जो फर्स्ट पोजीशन से वो किस डिस्टेंस पे जाके वो वहां गई है, बेसिकली अब वो फाइनली किस पोजीशन पे बैठी है फर्स्ट डिस्टेंस से, तो वो हमें ये चीज दे देगी सिंपली, है ना। तो हमें बार बार उसे जैसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो वो तो क्या करता है, वो तो उसका तो मतलब ही हो गया ना कि वो बार बार उसे जो है सर्कुलर में मूव कराया जा रहा कराया जा रहा, और फिर फाइनली जो वैल्यू आएगी वो उसे मतलब वो पोजीशन होगी। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टाइम है ना हम उसको सिंपली अगर इन परसेंट टेन कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो मतलब फाइनल पोजीशन होगी वो 1 से कितनी दूर होगी, ठीक है, सारे उसके मूवमेंट्स के बाद। तो ये तो हमने कर लिया अपने टाइम की वैल्यू को स्मॉल, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है कि जैसे हमारे पास टाइम की जो वैल्यू है ना इन परसेंट टेन, ये तो हमारे पास ये चीज हो गई। अब एक चीज ये भी तो हो सकती है कि अगर मान लो जैसे हमने टाइम को तो स्मॉल कर दिया, लेकिन जो ये हमारी फाइनल पोजीशन बनेगी, ये चीज तो क्या दे रही है हमें, ये चीज तो ये डिस्टेंस दे रही है ना, कि पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब अगर हमें फाइनल पोजीशन निकालनी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम इनिशियल पोजीशन में अपने डिस्टेंस को ऐड करें, बेसिकली ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है, अगर हम अपने डिस्टेंस को ऐड करते हैं इनिशियल पोजीशन में, तो ये भी तो हो सकता है कि वो भी मतलब एन की वैल्यू से बड़ी हो जाए। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे अगर हम टू में अपनी n-1 को ऐड कर दें, n-1 डिस्टेंस हो गया, तो वो तो बेसिकली n से बड़ा निकल जाएगा ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे फाइनल पोजीशन आएगी ना उसको हम इंपरसेंट n करेंगे फाइनली। तो ये हमारे को क्या दे देगा, क्योंकि ये सर्कुलर एरे है इसलिए क्या दे देगा, अगर मान लो हमारे पास n से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी ना, तो वो हमें उसका जो सर्कुलर एरे के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स बनेगा फाइनली वो हमें दे देगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि हम अपने एरे को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उनमें कैलकुलेशंस क्या क्या होंगी हमारी। एक तो हम ये चीज करेंगे कि हमारे पास जो टाइम था उसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं वाई से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होता है। वाई से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, ये जो ब्रैकेट है ना ये इधर, हाँ, तो एक तो हम ये चीज करेंगे, ठीक है, यही परसेंट टेन करेंगे और उसके बाद वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख, अगर हम वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर वो क्लॉकवाइज है तो वाई की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो उस केस में तो हमारा जो आंसर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ऐड हो रहे हैं बेसिकली पोजीशंस। तो ऐड होके जो हमारा आंसर है वो बढ़ता जाएगा। और अगर वाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 के केस में क्या है, वो बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने का क्या मतलब है, वो 2 से 1 में जाएगा, फिर 1 से और पीछे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज है ना, जो हमारा पोजीशन है वो कम हो रही है। तो इस केस में भी अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी जो ये एडिशन है ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारा जो पोजीशन है इनिशियली वो उससे छोटी वैल्यूज आएंगी ना।
और ऐसी अगर वो हमारी एन से छोटी निकल जाए, बेसिकली अगर वो नेगेटिव में आ जाएगा तो इसका मतलब वो एन से पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब अगर हम ये चीज करेंगे ना, माइनस वन में अगर हम आ गए, है ना, हमने देखा कि हमारा जो जीरो है वो भी कन्वर्ट हो गया, मतलब जीरो से भी छोटी चली गई, सब्ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव दे रहा है। तो अगर हम ये करते हैं माइनस वन इंपरसेंट थ्री, है ना, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो थ्री से है ना वो भी एक पोजिशन पीछे है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे हम माइनस करते करते और वो फर्स्ट पोजीशन से भी पीछे चले गया, इसका मतलब क्या है, अब वो सर्कुलर आ रहा है क्योंकि, तो वो एन से और पीछे जाता जाएगा जिस पोजीशन पे उसे जाना होगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि हमने वाई मल्टीप्लाई क्यों किया और वाई से क्या फर्क पड़ रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज में क्या फर्क पड़ रहा है और क्लॉकवाइज में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये नए पोजिशन की हो गई। अब ये जो कैलकुलेशन होगी ना, ये हम हर एक इंडेक्स के लिए करेंगे अपने एरे में, और हर एक इंडेक्स के लिए अब जो हमारे पास एरे बनेगा ना, न्यू एरे, ये जो एरे बनेगा इसमें वो सारी वैल्यूज होंगी जो हम अपने एंड को मूव कराने के बाद, टी टाइम के बाद जो हमारी प्लेसेस हैं वो आएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका असेंडिंग ऑर्डर भी तो प्रिंट करना है, अब हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम होती है जिसको हम मतलब इस पार्ट में देखने वाले हैं, जिसका नाम है बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट से करने का मतलब क्या है, क्योंकि ना हमें जैसे कर तो काफी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे को एक क्वेश्चन गिवन है, ये हम अपने जैसे इस केस में देखें तो हमारे को ना ये जो क्वेश्चन है ये अपने बबल सॉर्ट पार्ट में गिवन है। तो अगर हम बबल सॉर्ट पार्ट में करते हैं ना इसको, तो किस तरीके से करेंगे हम वो देखते हैं। बबल सॉर्ट में क्या होता है ना, बेसिकली बबल सॉर्ट में जैसे हमें एक एरे गिवन है, जैसे ये हमारा एरे हो गया, ठीक है, मैंने बोला कि ये मेरा एरे है, इसमें क्या क्या डाल दूंगा मैं, या अभी इसे छोटा कर लेते हैं, बोलते हैं चार ही वैल्यूज है इसमें, ठीक है, मैंने इन सारों को हटा दिया, मैंने बोला मेरे एरे में चार ही वैल्यूज हैं। और अब मैं इसमें जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसको भी हटा देता हूँ, नाइन, ठीक है, तो मैंने ये चीज कर दी। अब मेरे पास ये जो चार वैल्यूज है ना, अब देखते हैं कि इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम में बबल सॉर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, बबल सॉर्ट में जो भी हमारे पास एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं उन्हें स्वैप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली यही हमारी इस केस में इस एल्गोरिदम का कंसेप्ट है कि हम क्या करेंगे, वी विल स्वैप द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ, बेसिकली हम तभी स्वैप करेंगे ना एडजेसेंट को अगर वो हमारी सॉर्टिंग में, बेसिकली इफ नॉट इन प्रॉपर प्लेस। अब प्रॉपर प्लेस से मेरा क्या मतलब है, अगर वो इनिशियली सॉर्टेड नहीं है, यानी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी ओरिजिनल पोजीशंस पे डालना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी स्वैपिंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो जैसे ये वाला केस है, इस केस में वन जो है वो पीछे की साइड है, यानी कि वो पहले है सेवन से, तो ये तो हमारे पास इस केस में वन और सेवन सॉर्टेड हो गए ना, तो इस केस में हम अपनी स्वैपिंग नहीं करेंगे, हम फिर वन के केस में नेक्स्ट उस पर जाएंगे। तो अभी इसको समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, हम कंपेयर करेंगे वन और नाइन को। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास रॉन्ग प्लेस पे है, तो हमें इसे प्रॉपर प्लेस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, हम क्या करेंगे वन को फर्स्ट पोजिशन पे ला देंगे और नाइन को सेकंड पे, फिर ये हमारा एरे बन गया। अब मैं देखूंगा अपने नेक्स्ट वाले को, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को अगर मैं कंपेयर करूँ नेक्स्ट पोजिशन पे, तो मेरा नाइन और सेवन में कंपेयर होगा, तो नाइन फिर सेवन और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो इन दोनों की पोजीशंस में क्या है, वन सेवन और टू नाइन, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आएगा कि एक इटरेशन के बाद, ये तो मेरी एक इटरेशन है, अगर मैं मान लो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे देखता हूँ ना कि मेरी अगर आई की वैल्यू वन होती, ठीक है, तो उस केस में मैं कितनी बार इटरेशन कर रहा हूँ, यानी कि ये जो मैं अपनी स्वैपिंग कर रहा हूँ ना, ये फर्स्ट इंडेक्स के लिए कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे पास जो ये वाला एरे होगा, यानी कि जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है, ये तो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया है ना, और जो बाकी का एरे मेरे पास अब बच गया ना, ये वाला एरे, अब ये मेरे पास क्या है, ये एक अनसॉर्टेड एरे है ना, ये वाला अनसॉर्टेड है, और ये जो प्रॉपर है ये कौन सा है, ये सॉर्टेड एरे है। तो अब मैं अपनी जो एल को लगाऊंगा वो किस में लगाऊंगा, वो सिर्फ इस अनसॉर्टेड पार्ट में लगाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे को मिल चुका ना, ये सॉर्टेड अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है। तो अब मैं अपना जो नेक्स्ट इटरेशन लगाऊंगा वो कहाँ पे लगाऊंगा, वो इस 172 पे लगाऊंगा। अब देखते हैं अगर 172 पे लगाएं तो फर्स्ट को सेवन से कंपेयर करेंगे, ये अपनी सही पोजीशन पे है तो इसमें स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं सेवन और टू को कंपेयर करूंगा, ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, फिर मैं वन टू सेवन कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास वन टू सेवन तो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आई गया और लास्ट में तो नाइन था, अब मेरे पास ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सॉर्टेड हो गए है ना, और ये दोनों कौन से हो गए, अनसॉर्टेड हो गए इस केस में। अब चेकिंग तो हम करेंगे ही, सबसे पहले ये दिख रहा है हमें सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी हमें चेकिंग तो करनी है ना इटरेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे फिर से इन दोनों में कंपेयर करेंगे, और क्योंकि ये दोनों अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है इसलिए इनकी स्वैपिंग नहीं होगी, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, ये पूरा का पूरा सॉर्टेड एरे हमें मिल जाएगा है ना।
तो अब देखना है कि हमें ना इसमें कुछ चीजें, जैसे दो बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो अगर हम कोई भी एक इंडेक्स के लिए, किसी भी एक इटरेशन के लिए हम अगर स्वैपिंग कर रहे हैं तो वो कितनी बार कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बार कर रहे हैं। जैसे हमने इस केस में देखा कि हम ना अपने फर्स्ट के लिए एक बार यहाँ कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद हमें तीन इटरेशन के बाद हमें अपना सॉर्टेड ऑर्डर जो है ना, बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट है वो सॉर्टेड पोजीशन पे मिल गया। तो हमारे पास जैसे इसका साइज अगर एन था, इस केस में चार है, तो हमने कितनी बार इटरेशन करी, हमने चार, तीन बार ही करी ना स्वैपिंग। तो हमें यही देखना है कि हमने अगर साइज, जैसे हमने फर्स्ट के लिए क्या किया, हमने एन है अगर साइज, तो हमने कितनी बार किया, हमने n-1 times किया ना। और ऐसे अगर हम इस केस में देखें, हमारे पास जैसे थ्री बारी था, ठीक है, तो हमारे पास जैसे इस केस में थ्री था साइज, तो हमने क्या किया इसमें दो बारी चेक किया, एक यहाँ पे चेक किया और एक यहाँ पे चेक किया, तो इस केस में भी हमारे पास n-1 आएगा। तो हम, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं हर एक इटरेशन पे जैसे जाके और n-1 times जो है वो इटरेट कर रहा हूँ। बेसिकली इस केस में मैं एन तो बोल रहा हूँ, लेकिन वो है क्या एन, वो एन तो मेरा फोर था ना, तो फोर के रिस्पेक्ट में मैं कितनी बार कर रहा हूँ, टू बार कर रहा हूँ, है ना। तो एक बारी मैं इसे समझाता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरा ओरिजिनली एन की वैल्यू क्या थी, फोर, तो मैं इस केस में कितनी बार कर रहा हूँ, मैं n-1 बारी कर रहा हूँ इटरेशन, स्वॉपिंग जो बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इस केस में मैं कितनी बारी कर रहा हूँ, n-2 बारी कर रहा हूँ, इस केस में कितनी बारी कर रहा हूँ, n-3 बारी कर रहा हूँ, ठीक है, और लास्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ना, जैसे चार होते हैं तो n-1, फिर n-2, n-3 ऐसे करते हैं, और हम हर एक के लिए ना उसका नेक्स्ट कैरेक्टर स्वैप करते हैं। तो अगर मैं जैसे मान लो इसको देख रहा हूँ, तो अगर मैं अपने नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो मैंने बेसिकली चेक कितनी बार किया है, मैंने तो n-1 times ही चेक किया है ना, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरी कंडीशन तो यही होगी ना, अगर मेरी एरे की ith पोजीशन अगर बड़ी है एरे ऑफ i+1 से, है ना, तो मैं स्वैप करूंगा, और अगर नहीं है ऐसा तो मैं स्वैप नहीं करूंगा। तो i+1 के लिए मैं कितनी बार ही अपना इंडेक्स चला सकता हूँ, मैं n-1 times ही तो चला सकता हूँ। अगर मेरे एरे की साइज जैसे चार है यहाँ पे, तो मैं कितनी बार चला सकता हूँ, n-1 times चला सकता हूँ। यही मैं फिर करूंगा अपने नेक्स्ट जो मेरा अब सॉर्टेड ऑर्डर बच गया, उसके लिए n-2 times चलाऊंगा बेसिकली पूरे एरे में से, है ना, क्योंकि मेरा नाइन तो सॉर्टेड है, तो इसमें चलेगा कितनी बारी, n-2 बारी चलेगा, है ना, केवल इन दोनों में ही कंपेयर करूंगा मैं, दो बारी चलेगा, ठीक है। फिर ऐसे इनमें से n-3, तो ये जो हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना, इसे बबल सॉर्ट कहते हैं, ये एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना। तो अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैंने बताया आपको कि हमारा जो पहला लूप चलेगा, फॉर लूप, वो कितनी बार चलेगा, n-1 times, और हर एक के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो एल्गोरिदम जो मेरी बेसिकली बच जाती है ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गया, है ना, तो अगर मैं अपने इसको सॉर्टेड मान रहा हूँ, तो मैंने चेक कहाँ तक किया, n-1 तक किया, ये मेरा n था, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं ना, ये जो मेरा n-1 बच गया था, इससे मैं पीछे वाली पोजीशन चेक करूंगा ना हर एक केस के लिए, जो मेरा अब बच गया, जैसे मैंने मान लो स्वैपिंग करी, तो स्वैपिंग कितनी बार करी, n-1 times करी, ठीक है। और अब जो मेरा लेफ्ट बच गया, वो कितना बच गया, वो तो मेरा n-2 बच गया ना। तो इस केस में मैं यही कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले n-1 हम फर्स्ट केस में n-1 इटरेशन करी, फिर नेक्स्ट केस में, अब क्योंकि मेरी जो लेंथ थी ना, वो कितनी बच गई, वो मेरी तो n-1 बच गई ना, क्योंकि एक तो मेरा सॉर्टेड में आ ही गया। अब जो ये मेरा n-1 है, उसमें मैं स्वैपिंग करूंगा, और वो भी कितनी बार करूंगा, वो प्रीवियस, अगर मेरी प्रीवियस इटरेशन के हिसाब से देखें, तो वो भी एक बारी कम करूंगा, तो वो ओरिजिनल एरे के हिसाब से कितनी होगी, n-2 होगी। फिर ऐसे ही n-3 देखेंगे ओरिजिनल एरे के रिस्पेक्ट में, ऐसे ऐसे करते हुए हमारी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, बेसिकली अगर मैं इनका सम निकालूं तो वो मेरा n² के अप्रोक्स जाएगा, तो इसका ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डर ऑफ n² आएगा। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको बबल सॉर्ट कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि ना इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो इनपुट है उनको फॉर्मेट में इनपुट करेंगे, जैसे हमारे पास nmt था, इनको इनपुट कर लिया। फिर मैं क्या बनाऊंगा, एक एरे बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी क्या करूंगा, एंड्स की पोजीशन स्टोर करूंगा इनपुट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने क्या किया, जैसे मान लो एक लूप तो लगाया कि जो ये मेरे पास इनपुट थे ना, ये m, इनको मैंने जैसे एक लूप में लगा के और इनपुट ले लिया, कि जैसे मेरे को m गिवन था कि ये इतने m बेसिकली एंड्स गिवन है, तो मैंने क्या किया एक वाइल लूप लगा के और सारे एंड्स और उनकी पोजीशन को क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। और हर एक इनपुट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक्स को कैलकुलेट करूंगा बेसिकली, कि मैं हर एक, जैसे मैंने एक्स की पोजीशन ली, अब मैं ना उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, अपडेट करूंगा अपने एरे में, कि अब जो मेरी फाइनल पोजीशन आएगी वो क्या बनेगी, वो तो यही बनेगी ना जो मैंने अभी समझाया था, जो मेरा एक तो ये इंपरसेंट एन हम इधर करेंगे, और फिर फाइनली जो इंपरसेंट एन है वो हमें क्या दे देगा, फाइनल पोजीशन दे देगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पास एक केस। अब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर इंपरसेंट एन कर रहे हैं ना, तो इंपरसेंट एन करने के बाद अगर ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो एंट है वो एकदम लास्ट पोजीशन पे है, यानी कि उसकी पोजीशन एन हो, तो उस केस में तो हमारा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तो हमारी जो एक्स की वैल्यूज है ना, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो वन से स्टार्ट है, तो हम जीरो तो नहीं लिख सकते ना अपने आंसर में, एरे में। तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास जो एंट है उसकी पोजीशन जीरो आ रही है, इसका क्या मतलब है,
कि वो जो है ना वो बेसिकली nth पोजीशन पे है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे मान लो अगर मेरा ये फर्स्ट पोजीशन आती, अगर मेरे एक्स की वैल्यू जो है ना इस एक्स इंपरसेंट टेन की वैल्यू मेरी वन आती, तो मैं तो ये कह देता कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर मेरी यहाँ पे जीरो पोजीशन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो वन से पीछे वाले पोजीशन पे है। और वन से पीछे वाली कौन सी है, क्योंकि ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसलिए वन से पीछे वाली कौन सी होगी, एनथ पोजीशन। तो इसलिए मैंने अपने उस केस के लिए, सिर्फ उसी केस के लिए जिसमें एक्स जीरो होगा, उस केस के लिए मैंने एक्स को एन से अपडेट कर दिया, ठीक है। और फिर फाइनली मैं अपने एक्स को ना उसी एरे में डाल दूंगा जिसमें मैंने अपने बेसिकली वैल्यूज इनपुट ली थी, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, अपने बेसिकली सारे इनपुट्स को आई प्लस प्लस करके अपना एंटर करा लूंगा। और फिर बाद में जैसे मेरे पास ये सारे के सारे, अब मेरे पास ये जब भी ये वाला लूप खत्म होगा ना, ये वाइल लूप, तो अब मेरे पास जो भी एरे है उसका जो फाइनल पोजीशंस हैं वो सारे के सारे एंड्स की पोजीशन स्टोर हो गई होगी। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा दूंगा, बबल सॉर्ट जो मैंने समझाया था अभी। तो वो क्या कर देगा, मेरे पास फाइनल पोजीशंस के जो सॉर्टिंग ऑर्डर है उसको आउटपुट कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी को ही बस आउटपुट करा लिया अपने जो भी एंड थे। तो ये हमारा छोटा सा कोड था इस क्वेश्चन के लिए, एंड थैंक यू।